जनक के दिल की नफरत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है और अब अनिरुद्ध के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट कर देती है क्योंकि वो जानबूझकर जो गाना इसके लिए गाता है। इसके कारण प्रॉब्लम धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती है क्योंकि जब यहाँ सभी लोग डांस के कारण अब इसके ऊपर पैसे उड़ा रहे होते हैं तो अनिरुद्ध इसे बचाता है, बल्कि उन लोगों के बहुत अच्छे से बेइज्जती करता है। साथ में वो अर्ची को भी सबक सिखाता है, इवन वो सृष्टि की भी यहाँ इज्जत नहीं करता। लेकिन सृष्टि को लगता है कि यहाँ मेरा बदनामी हो रही है तो यहाँ सभी चीजों को तो सॉर्ट आउट किया जाता है। वो लोग भी माफी मांग लेते हैं, लेकिन अब फिर से गाना गाना होता है और ये गाना अनिरुद्ध गाने वाला होता है। यहाँ पे अनिरुद्ध जब स्टेज पे जाता है तो वो जनक के लिए गाना गा रहा होता है, लेकिन वो दोनों की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि अर्ची मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ और तुम्हारी पत्नी बनने वाली हो तो तुम्हारे लिए गा रहा हूँ। ये झूठ बोल रहा होता है लेकिन मन से ये इसी के लिए गा रहा होता है। जनक की चीज को देखने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है, कहीं ना कहीं वो गुस्सा भी होती है लेकिन उसका दिल भी रोता है। ये इसका दोहरा या पंच है। उसे बहुत अजीब लगता है कि जो मुझे कुछ टाइम पहले प्रपोज मार रहे थे अभी ये किसी और के गुणगान कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। खैर यहाँ फोटोशूट होती है, यहाँ जनक को तो अलग कर दिया गया होता है, लेकिन इसके बाद में अब यही फोटोशूट तो भाई हो जाते हैं तो यहाँ सृष्टि अर्ची भी घर चले जाते हैं। अभी बहुत बेइज्जती कर रही होती है जनक की, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच बचाव जब करता है वेल विनायक तो अभी ये उसके ऊपर गुस्सा करने लगते। लेकिन विनायक कोई नॉर्मल कैरेक्टर है नहीं, उसे ऑलरेडी पता है कि सृष्टि के काले कारनामे क्या थे, या फिर कह लो कि अपनी बहन को सिर्फ और सिर्फ पीछा करने के लिए इसने क्या कुछ नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर षड्यंत्र इतने बर रचे इसने ताकि ये उसकी जगह ले सके। क्योंकि सृष्टि को लगता था कि जनक की माँ पीछे पीछे डांसर बने थे और वो इससे आगे निकल रहे थे और ये इस चीज को नहीं सह सकते थे। और ऐसा ये जनक के साथ में भी कर रहे होते कि वो 2-3 महीने से सीखते हुए डांस और तुम जन्म से सीख रही हो तो अर्जी वो तुमसे आगे कैसे निकल सकती है, मैं उसे निकलने ही नहीं दूंगी, अब मैं पिलाती हूँ उसे। ये कुछ पिलाने की बात कर रही होती है, मतलब कोई ऐसा चीज जो रसीला हो जिससे सबके सामने ये गलत साबित करते जनक को और बता दे कि आखिर उसका मोटिव क्या है, वो अनिरुद्ध को पाना चाहते हैं और इसी के लिए यहाँ प्लानिंग बनाते हैं। लेकिन ये अर्जी को भी सारी बातें बता देती है। खैर घर में भी फोटोशूट तो हो चुका होता है तो सभी फोटो आ भी चुका होता है तो सभी लोग देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जानबूझ करके ये जनक को बुला करके दिखा रहे होते हैं, लेकिन इसी टाइम वेल अब डिवोर्स पेपर पे साइन भी करवाना है तो इस चीज के लिए ना साइन तो यहाँ हो जाती है। लेकिन गुड़ू लोग बवाल यहाँ पे ये हो जाता है कि जो ये पिलाने की बात कर रहे होते हैं ना सृष्टि, ये धोखे से जनक को नशे वाले चीज पिला देती है और बस होना क्या था, अब वो खुद के काबू में नहीं होती और अनिरुद्ध के साथ में बेड शेयर कर देती है। तुम समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है। खैर ये तो रूमर से गुड़ लोग, आगे क्या होने वाला है ये तो आने वाले एपिसोड पे ही डिपेंड करता है, लेकिन सच में ये काफी मजेदार होगा और बवाल यहाँ से क्रिएट होगा। तुम कह सकते हो कि भाई जो भी एपिसोड डिले हुए हैं ये शायद इसको कवर कर लेगी, लेकिन ये सच में यार बेहतरीन तो होने ही वाला है। ये इनका रोमांस अब नेक्स्ट लेवल जाएगा और जो ना तमाशा क्रिएट होगा ना ये पूरी तरीके से अनिरुद्ध को बदनाम कर देगी।